एक वीडियो एडिटर कुछ गलत इफेक्ट्स का यूज करके आपकी वीडियो को खराब नहीं करता बल्कि उसका सत्यानाश कर देता है। वीडियो इफेक्ट ऐसे यूज करो जिससे आपकी वीडियो नॉर्मल वीडियो नहीं लगे, वो लगे एक फिल्म की जैसे। आज मैं आपको डिविंची रिजॉल्व के 6 इफेक्ट्स के बारे में बताऊंगा जिससे आप अपनी वीडियो को एक सिनेमैटिक लुक दे सकते हो। इसमें कोई कलर ग्रेडिंग के बारे में बात नहीं होगी, सिर्फ बात होगी इफेक्ट्स के बारे में। एनामॉर्फिक फ्लेयर आपकी वीडियो के अंदर एक सिनेमैटिक टच देने का काम करती है। एक खूबसूरत लेंस फ्लेयर होती है जो आपको हॉलीवुड की कई मूवियों के अंदर देखने को मिलती है। हॉलीवुड की कई मूवियों के अंदर एनामॉर्फिक लेंस का यूज किया जाता है जिससे वो एनामॉर्फिक फ्लेयर्स बनती है, और अपन उसको बना नहीं सकते क्योंकि अपने पास वो लेंस है नहीं। पर इसका एक सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन है एडिटिंग के अंदर। अपन एडिटिंग के अंदर एनामॉर्फिक लेंस बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको डिविंची रिजॉल्व में जाना है। डिविंची रिजॉल्व के कलर टैब में जाने के बाद वहां से ग्लो इफेक्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपने नोड के अंदर। एचवी रेशियो को इंक्रीज करना है जिससे आपको आपके लाइट के अंदर एक एनामॉर्फिक फ्लेयर देखने को मिल जाएगी, और स्प्रेड को आपको आपकी वीडियो के लाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है, और जो आपकी लाइट है उसके हिसाब से आप उसका कलर चेंज कर सकते हो और आपको एक सिनेमैटिक एनामॉर्फिक फ्लेयर देखने को मिल जाएगी। प्रोमिस फिल्टर, जिसको आप डायनामिक मिस फिल्टर भी कह सकते हो, इसका यूज मैं काफी टाइम पहले किया करता था अपनी वीडियोस के अंदर अपनी हाइलाइट्स को सॉफ्ट करने के लिए। तो आपको एक लेयर मिक्सर नोड बनाना है जिसके नीचे वाले नोड के अंदर आपको गाशियन ब्लर को ड्रैग एंड ड्रॉप करके डाल देना है, और उसकी इंटेंसिटी को हाई कर देना है और सैचुरेशन को बिल्कुल कम कर देना है, और लेयर मिक्सर के कंपोजिट मोड में जाकर आपको उसको सेलेक्ट कर देना है स्क्रीन। फिर उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का इफेक्ट मिलेगा और इसको भी अपन को फिक्स करना है। डिपेंड करता है कि आप इसकी ओपेसिटी को कम करो, पर ओपेसिटी कम नहीं करनी है आपको। कर्व्स में जाके आपको वहां पे एक व्हाइट पॉइंट दिखेगा, उस व्हाइट पॉइंट आपको दिखेगा उसको नीचे की तरफ लेके जाना है जिससे आपकी वीडियो के अंदर काफी अच्छे से मिस फिल्टर दिखेगा, और ये मिस फिल्टर आप अपनी वीडियो के अंदर यूज कर सकते हो अपनी इमेज को या अपनी वीडियो को सॉफ्ट दिखाने के लिए। आप इस इफेक्ट का यूज तब कर सकते हो जब आप अपनी ऑडियंस को पुराने वक्त में लेके जाना चाहते हो, कुछ किस्से कहानी सुनाना चाहते हो, या अपनी ऑडियंस को नॉस्टैल्जिया फील कराना चाहते हो। ये इफेक्ट आपको आपके इफेक्ट लाइब्रेरी के अंदर मिल जाएगा, पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इस इफेक्ट को आपकी वीडियो के अंदर यूज करते हो। Ever wanted to regret the intensity of surveillance footage? तो DaVinci Resolve का जो CCTV इफेक्ट है, आप उससे ये सब चीजें कर सकते हो। मतलब कि अगर आपको अपनी ऑडियंस को एक CCTV टाइप ऑफ व्यू देना है तो आप इस इफेक्ट का यूज कर सकते हो अपनी वीडियो के अंदर। ये इफेक्ट आपको आपकी इफेक्ट लाइब्रेरी के अंदर मिल जाएगा, और इस इफेक्ट का यूज करके अगर आपको अपनी वीडियो के अंदर टॉप नॉच शॉट दिखाना है CCTV इफेक्ट के साथ, तो वहां पे इस चीज का यूज कर सकते हो। लाइट रेज एक डायनामिक इफेक्ट है जो आपकी वीडियो के अंदर एनर्जी को इंट्रोड्यूस करता है। नहीं समझे? समझाता हूँ। देखो, इस क्लिप के अंदर लाइट रेज तो है पर वो इतनी डायनामिक नहीं है जितनी मुझे चाहिए, तो इस क्लिप को थोड़ा और पॉप करते हैं और डायनामिक रेंज को और इंक्रीज करते हैं, लाइट को थोड़ा और इंक्रीज करते हैं। सबसे पहले आपको इफेक्ट टाइप के अंदर जाके वहाँ पे लाइट रेज को सर्च करना है, वहाँ से उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने नोट के ऊपर डाल देना है। वहाँ से आपको लेंथ को इंक्रीज करना है अकॉर्डिंग योर क्लिप कि कितनी लेंथ आपको अपनी वीडियो के अंदर चाहिए, और पोजीशन और कलर को आपकी वीडियो के लाइट के अकॉर्डिंग चेंज करना है कि क्या कलर है और क्या पोजीशन है आपकी लाइट की, और आपकी सिनेमैटिक लाइट रेज आपकी वीडियो के अंदर तैयार है। कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ ही आवाज़ आई जाती है। मैं इतने टाइम के बाद अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पे आके, 6-7 महीने हो गए मुझे वीडियो रिकॉर्ड करे हुए, और आज मैं यहाँ पे आया हूँ कि चलो सुख शांति मिलेगी दोपहर को, इतनी धूप के अंदर आके मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पर अपनी मरवा रहे हैं। पेपर एज इफेक्ट का यूज़ मैं तब करता हूँ जब मुझे अपनी वीडियो के अंदर किसी पिक्चर को दिखाना हो या फिर मुझे किसी एक फ्रेम को दर्शाना हो वीडियो के जरिए, और आप इस इफेक्ट को कंबाइन कर सकते हो। ब्लैंकिंग फॉल इफेक्ट के नाम से एक इफेक्ट मिल जाएगा आपको डेविंची रिजॉल्व की लाइब्रेरी के अंदर, और वहाँ पे आप इस इफेक्ट को उस पर अप्लाई कर सकते हो जिससे आपको एक बैकग्राउंड मिल जाएगा व्हाइट कलर का। ब्लैंकिंग फॉल इफेक्ट यही नाम है शायद मेरे हिसाब से उसका। और इन इफेक्ट्स का यूज आप भी कर सकते हो अपनी वीडियो एडिटिंग स्किल्स को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए, क्रिएटिविटी आप लोगों को दिखाने की किस तरीके से आप इन इफेक्ट का यूज करते हो अपनी वीडियो के अंदर। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो लोग डिविंची रिजॉल्व का यूज़ करते हो या फिर ऐसे कुछ एडिटिंग करते हो अपनी वीडियो के अंदर। अगर आपको डिविंची रिजॉल्व के कुछ राज जानने हो तो इधर डिविंची रिजॉल्व की 10 टिप्स वाली आपको वीडियो दिख रही होगी, जरूर देखिए। ये राज किसी को बताना।